हम आगे जाके तस्वीरों को देखते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी। माइंड चेंज हो गया मेरा। मुझे अकेले ना छोड़ने का शुक्रिया। मैं यहाँ तुम्हारे सौदे की वजह से आई हूँ बस। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों आई हो, तुम आई और मेरे साथ हो। हर कोई हमें खुश शादीशुदा जोड़ा समझ रहा है, ये काफी है। हाँ, हंसते रहो, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये ड्रेस तुम्हारी पसंद है? हाँ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आई? तुम्हें अच्छे नहीं लगे? बुरा नहीं है। बुरे नहीं है। तुम्हें थोड़ा स्टाइल पर काम करने की जरूरत है। मैं कुछ पीने को लाता हूँ। पता नहीं क्या समझता है। माफ कीजिएगा। क्या हम तुम्हें रात का सितारा पुकार सकते हैं? नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद सबसे थकी हुई और परेशान लड़की है। परेशान हो तुम? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ नाज़ली? तुम चमक रही हो नाज़ली, शानदार दिख रही हो तुम। तुम्हारा शुक्रिया। डेनिस, ये ब्रेसलेट मेरी है ना? हाँ, और मैं पकड़ा गया। हाँ, तुम्हारी है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने उतारी थी और जब मुझे मिली तो मैंने जेब में रख ली। बहुत अच्छी है, मुझे वापस कर दो। अब बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे पास रहे यादगार के तौर पर। डेनिस, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे दोस्त हो। सिर्फ एक यादगार? यादें तकलीफ नहीं पहुंचाती। स्वीटहार्ट, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। उन्हें ये कहा कि तुम नहीं आओगे, मगर मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। हाँ, रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा रश था, लेकिन स्टाफ सब देख रहा था तो मैं आ गई। तुम्हें ठंड भी लग गई थी? हाँ, लेकिन अब काफी बेहतर है मेरी तबीयत, खुशकिस्मती से ठीक हो जाओगी। बहुत शुक्रिया। शायद डेनिस को शक है कोई। हाँ, शायद उसे लगता है कि हमारा झगड़ा हुआ है, या इससे भी बदतर कुछ। उसे लगता है कि हमारी शादी असली नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, लेकिन बेहतर होता अगर तुम रेस्टोरेंट के हजूम का नहीं बोलती। उसे कैसे पता कि मुझे ठंड लगी थी? अगर मुझे पता होता तो मैं दिखावा कर लेती। नाज़ली, ये हसास मौसू है, बुलुत का सवाल है, हमें ज्यादा ख्याल रखना होगा, कोई कमी नहीं छोड़नी। छोटी सी गलती भी सब बर्बाद कर सकती है, फिर हम बुलुत को हासिल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से असल मसला जज्बात है। कौन से जज्बात? तुम मुझे ऐसे नहीं देखते जैसे मुझसे प्यार करते हो। ये आम बात नहीं है, मैं अभी भी गुस्सा हूँ, तुम्हें माफ नहीं किया मैंने। यही कह रही हूँ मैं, असल में कभी कभी देखते हो वैसे, ऐसे देखते हो कि मुझे यकीन आ जाए तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कभी कभी नफरत की निगाह से देखते हो तुम मुझे। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी मेरे ज्यादा करीब हो सकती हो। कभी कभी हम अजनबियों जैसे होते हैं। माफ करना, लेकिन ये मेरी जान जाने मन मुझसे नहीं बोला जाता। नाज़ली, ये एक सौदा है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो इस डील को दिखाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। जरूरत पड़ी तो चूम भी लेंगे। कभी नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मुझे देखो फरीद, मुझे ये हरकतें पब्लिक में बिल्कुल पसंद नहीं है, कसम से मसला खड़ा कर दूंगी मैं। तुम्हारी बीवी होना कितना मुश्किल काम है। क्यों? क्या मतलब, हम इन दावतों पर वक्त जाया करना होगा वगैरह वगैरह। अरे आराम से, क्या हुआ? मोच आ गई। ठीक तो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आ, 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 आ,
यहाँ आओ। फरीद, ये क्या कर रहे हो? कमरे में ले जा रहा हूँ। है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। मुझे हील्स पहनने की बिल्कुल आदत नहीं, इसलिए शायद मेरा उससे पैर टकरा गया। बर्फ ले आऊं क्या? नहीं। पक्की बात है? जरूरत नहीं, अभी सही हो जाएगा। मैं फिर अपने कमरे में जा रहा हूं, चूंकि कोई घर पे नहीं है तो हमें साथ सोने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। नाजली, मैं कंपनी जा रहा हूं, रेस्टोरेंट उतार दूं तुम्हें क्या? नाजली, तुम सो रही हो? मैं अंदर आ रहा हूं। नाजली, कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट में हूँ। रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है, क्या मतलब क्या कर रही हूँ? यहाँ मैं काम करती हूँ, यहीं आऊंगी, और कहाँ जाना है मैंने? और वैसे भी कल रात बताया था तुम्हें कि मैं सुबह जल्दी रेस्टोरेंट आ जाऊंगी, बहुत काम है मुझे। अच्छा, परेशानी की कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, बाय। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि तुम इतनी जल्दी रेस्टोरेंट क्यों चली गई? लेकिन ऐसा क्यों? आजकल बहुत फिक्र कर रहा है मेरी, मुझे सुबह ना देखकर परेशान हो गया होगा। फतोश, कभी ऐसे मत देखना मुझे, मुझे बहुत चिढ़ाती है। आसुमान का बताओ, मुझे बात हुई क्या उससे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, वो घर पर ही नहीं है। कैसे घर पे नहीं थी? फतोष, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं मुझे नाजली, सुबह उसने तुमसे डांट खाई, फिर अभी उसको मुझसे डांट खानी थी, उसे पता था, इसी वजह से वो घर से गायब हो गई। बस और क्या, गांसी के पास गई होगी, इतना मसला क्यों बना रही हो तुम? हमारी लड़ाई हुई है और मैं परेशान हूँ, बहने हैं हम। उसे लगता है कि गामजे के पास जाने से वो बच जाएगी, लेकिन नहीं है ऐसा। जवाब नहीं दे रही। क्यों आएगा? जाहिर है कि नहीं आएगा। मुझे पता है कैसे रसाई हासिल करनी है। हेलो, हाँ गामजे, आसमान से बात करवाओ जरा। क्या मतलब? तो अब वो कहाँ है? अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात, हमारी लड़ाई हुई है और वो मुझे फोन नहीं कर रही, तुम्हें बताए तो मुझे फौरन बताना। अच्छा, शुक्रिया। गामजे के पास जाना चाहती थी, लेकिन एज यूजुअल वो बहुत बिजी थी। वो वाकई मुझे डराने के लिए कर रही है ये, इसे कॉल करूं, मेरा फोन तो उठा नहीं रही। चलो ठीक है। हेलो बाबा जान, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, मैंने फोन किया था, पर मैंने हल कर लिया है मसला, अब जरूरत नहीं है। तो कैसे हैं सब? आप कैसे हैं? आसुमान से बात हुई आपकी क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए पूछ रही थी। मैंने सबको फोन किया है, आपको भी, अम्मी को भी, आसुमान को भी, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ आपने फोन किया वापस। आसुमान जल्दी फोन करेगी। बाबा जान, परेशान ना हो, कुछ भी नहीं हुआ, वादा करती हूँ आपको बताऊंगी जैसे ही उसका फोन आएगा। ठीक है, अम्मी को सलाम दीजिएगा, मिलते हैं फिर। तो उसने बस खुदा हाफिज कहा और वो चला गया। पता नहीं, शायद मैंने ही मामला बढ़ा दिया है। तुम
मुझे बहुत हैरान कर रही हो। थोड़ा क्या मतलब, क्या मतलब थोड़े का? बस नाजली मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया उस वक्त कुछ। अब मंगनी तोड़ना इतना आसान तो नहीं है ना, है ना नाजली? ओफ अल्लाह, ये बात तुमने रिंग पहनते हुए तो नहीं सोची। ठीक है, खत्म हो गया ना वो मामला, बस उस वक्त में जज्बाती हो गई थी, बस हाँ कर दी फिर मैंने। अब इसको कैसे खत्म करना है ये सोच लिया है हमने। हमसे क्या मतलब है? हाँ आसुमन का ख्याल है। लो आ गई वो भी। आफरीन, आसुमान से मशवरे लिया तुमने। कहाँ थी तुम? फोन रात से बंद है, तुम गामजे के पास भी नहीं रुकी। इस दुनिया में गामजे के अलावा और भी दोस्ते हैं मेरी, वहाँ रुक सकती हूँ मैं। वाकई? हमें बिल्कुल नहीं मालूम उनका, थोड़ा बताओ अपने दोस्तों को। असल में तो आप बताएं मुझे जरा। सच्ची मोहब्बत की तकरीर करती रही और हम सबसे झूठ बोला आपने। क्या कह रही हो तुम? मैं फरीद के साथ आपकी नकली शादी की बात कर रही हूँ। आहिस्ता चुप करो, चुप करो, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? ताकि बुलूत को उन लोगों के साथ ना रहना पड़े। क्या और कोई नहीं जानता इस बारे में? और ना पता चलेगा आसुमान, पागल मत बनाना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। इस मौजू के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना किसी से भी, समझी? समझ गई। तुम इस मामले की संजीदगी से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, सुना तुमने? ठीक है, लेकिन कुछ तो है जो समझ नहीं आया मुझे। ये सब करने से क्या हासिल होगा आपको? क्या कह रही हो ये? यानी कि हम दोनों के बीच बहुत कुछ मुश्तरक है, है ना? यानी कि जो आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उससे क्या हासिल होगा आपको? क्या आप ये बताना पसंद करेंगी मुझे? सुनो मेरी बात गौर से। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए किया है, समझ गई तुम? इस काम में मेरी वाहिद दिलचस्पी मेरी बहन को इस मामले से बचाना और खुद को मुतमईन करना है, बस काफी है। अकलमंद हूँ क्या मैं? तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी में एक और झूठ शामिल किया मैंने। कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकती हो। चटनी बहुत पसंद है, उसके लिए बना रही थी। तुम थोड़ी बेजार लग रही हो। नहीं, ऐसा क्यों कहा? दरअसल मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया। छोड़ो उस बात को, रेगुलर के मसाइल हैं मेरे। ऐसा फरीद की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, उससे क्यों होगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया। हम इस बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं। एक काम जो होना था वो बुलूत की वजह से हो गया, बस। तुमसे कुछ पूछना था। अगर तुम्हें अगर उससे प्यार नहीं है तो तुमने ये नकली शादी ब्लूट के लिए की है ना? डेनिस, तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ा जब फरीद को ये सब पता चला, या फिर मैं उसको बताने से खौफजदा हो रही थी क्योंकि मुझे डर था कि फरीद क्या करेगा? नहीं, तुम शर्मिंदा थी क्योंकि तुम साफ हो, ईमानदार हो, तुम मुख्तलिफ हो नाजली। डेनिस, मैं फरीद से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं शर्मिंदा थी क्योंकि मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। उस आदमी की आंखों में देखकर झूठ बोला जिसको मैं प्यार करती हूँ। डेनिस, मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता है, कितनी बुरी हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ ये सब किया।
मैं शर्मिंदा थी डेनिस कि मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। ठीक है, चलो चले, बुलुक को इंतजार नहीं कराते, गुस्सा हो जाता है। ओके, चटनी तैयार है, चलो। तुम्हें इसी चटनी के साथ खाना होगा। देखो वो आ गई। कहाँ रह गई थी तुम नाज़ली? ये रही आपकी चटनी। हम लोग बस कुछ बातें कर रहे थे। कोफ्ते कैसे थे? बहुत अच्छे हैं। मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे मुर्गा बना दिया और मुर्गा क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर पूरे स्कूल में तमाशा बन गया मेरा। चलो बोलो, चलने का वक्त हो गया है। तुमने आंखें मलना शुरू कर दी है, नींद आ रही है तुम्हें? मामा थोड़ी देर और रुकने देना यहाँ। हमें काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। जाके शावर लेना और सीधा बिस्तर पे। मैं वो झाग वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या मामू? हाँ बिल्कुल। ये बात, ओह उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या तुमने ट्राई किया है नाज़ली? हाँ मैंने भी ट्राई किया है। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें आप लोग, मैं चलता हूँ। एक काम कंप्लीट करना है मुझे आज रात में। मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। मिलते हैं चाचू। मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। मैं पूरे कमरे में झाग भर दूंगा। क्या कर रहे हो, किस तरह से तुम गाड़ी चला रहे हो? हाँ तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अम्मी को सोने में इतना सारा तंग करती थी। क्या मतलब, जाहिर है क्या मुझे नहीं पता? बहुत बुरी बात है। मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मुझे रात को आप स्केयर क्रोस की कहानी सुनाया करें। ये बात मजे का है नाज़ली, जब घड़ी ऐसा करेगी तो मैं बिस्तर पर जाऊंगा। अच्छी बात है, देखो अभी घड़ी ऐसा कर रही है और तुम्हें फौरन सो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी सो जाओ। चलो अच्छे से सो जाओ। मैंने तुम्हें गुड नाइट किस भी दे दी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तुम्हें भी गुड नाइट। तुम्हें भी शब आखिर। मेरे ख्याल से तो आप तब सोती हैं जब सारी दुनिया घोड़े बेच के सो जाती है। और हाँ, जब तक बुलुत यहाँ है हम साथ सोएंगे। ओहो बुलुत अब जागेगा नहीं, वो सुबह तक ऐसे ही सोता रहेगा। तुम नहीं जानती बुलुत को, वो अक्सर रात को डर कर उठ जाता है, कभी पानी पीने की वजह से कभी किसी और वजह से। और उसने अगर हमें अलग अलग कमरों में देखा तो जरूर पूछेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सारी साजिशें। चलो जाके सो जाओ। नाज़ली, अगर तुम चाहो तो तुम नीचे सो सकती हो, क्योंकि तुम जहाँ तक जा सकती थी बिस्तर पर चली गई हो, अब जगह नहीं है। नाज़ली मेरी जान, मैं नीचे सो जाता हूँ ये कहने के बजाय। ये सब हालात तुम्हारे ही बनाए गए हैं, वरना मुझे कोई मसला नहीं है बिस्तर पर सोने पे। ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बुलुत की खुशी के लिए आई हूँ, इसलिए मैं नीचे नहीं सोऊंगी। चलो नाज़ली अब जल्दी सो जाओ, मुझे सुबह उठकर मीटिंग में जाना है। तुम वाकई
मुझे नहीं बताओगी कि सुबह क्या हुआ था, क्या कहानी थी वो? कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर मैंने वो मछली एक बाउल में डाल दी और मुझे याद आया कि उसमें तो पानी बहुत कम था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, बहुत पुरतजस्स था, मैं बहुत डर गया था। लेकिन चला गया। हाँ चला गया, मैं हर वक्त साथ हूँ तुम्हारे।